आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Students question में गिवन है which one is correct about Atlas 66? It has high protein content. It has been used as a donor for improving cultivated wheat, both A and B or none. Students Atlas 66 हमारी वैरायटी है wheat variety है, जो कि बनाई गई थी बायो से। हमारा एक प्रोसीजर होता है जिससे एक नॉर्मल वैरायटी ऑफ क्रॉप में न्यूट्रिएंट कंटेंट विटामिन कंटेंट मिनरल कंटेंट ऑयल कंटेंट बेसिक एम जो होता है इनका होता है कि क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन, क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करना क्रॉप में इंक्रीज करना ये हमारा प्रोसेस होता है बायोफोर्टिफिकेशन तो एक एटलस सिक्सटी सिक्स वेराइटी एटल्स एटलस सिक्सटी सिक्स वराइटी ऑफ वीट तैयार की थी जिसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था प्रोटीन कंटेंट वाज हाई ठीक है तो ये हमारा जो हो जाएगा इसको ये जो एटलस सिक्सटी सिक्स वेराइटी तैयार की थी ये हमारी एज अ डोनर भी यूज़ ट वरायटी क्या होता है कि जैसे हम एक वाइल्ड वरायटी की बात करते हैं वाइल्ड वरायटी जो होती है उसमें भी हमारा डिजीज रेजिस्टेंट जीन होते हैं डिजीज रेजिस्टेंट जीन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं जो हमें फर्दर चाहिए होते हैं uh, इनको ब्रीड करा के और प्रोजनी बनाने के लिए जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस हो पर वाइल्ड वैरायटी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन होंगे वैसे ही एटलस सिक्सटी सिक्स जो है उसको एज अ वाइल्ड वैरायटी हम कंसीडर कर सकते हैं जिसको काम में लिया गया फॉर फर्दर मेकिंग हाई प्रोटीन कंटेंट वीट वैरायटी ताकि उसका क्रॉस करा सकें हम एटलस 66 नॉर्मल वीट वैरायटी का क्रॉस अगर हम कराएंगे एटलस 66 से ताकि उसके डिजायरेबल ट्रेड्स हमारे उस वैरायटी वर, में आ जाए तो एटलस 66 एक वैरायटी थी जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट था इसको क्रॉस कराएंगे हम नॉर्मल वीट वैरायटी से या फिर ब्रीड कराएंगे तो हमें

आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर